हेलो राज कॉमिक फैंस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं करने वाला हूं आज़ादी की ज्वाला का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। और ये पार्सल मुझे मिला है राज कॉमिक्स यूनिवर्स के तरफ से। ही हैड अरेंज्ड अ गिव अवे ऑन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट इन एसोसिएशन विद हेलो बुक माइन एंड आई हैपन टू बी द लकी विनर, सो थैंक्स टू राज कॉमिक्स यूनिवर्स। सो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए फटाफट इस पार्सल को खोलकर इसके अंदर से आज़ादी की ज्वाला को आज़ाद करते हैं एंड ये वी गो। मगर ये क्या लगता है, आज़ादी को बहुत जोर का झटका लगा है। हेलो बुक माइन हैज़ मेड अ नेम फॉर इटसेल्फ फॉर इट्स फास्ट डिलीवरी एंड ग्रेट पैकेजिंग, लेकिन ऐसा पैकेजिंग के बावजूद भी कैसे बुक्स डैमेज हो रहे हैं, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। आई मीन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बट फिलहाल वीडियो के खातिर चलिए इस गड़बड़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। आई नो द डेंट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट चैलेंजिंग टू इग्नोर इट। लेट्स जस्ट क्रैक इट ओपन एनीवे। और ये रहा इसके अंदर इनवॉइस। लेट मी गिव यू गाइज ग्लिम्सेस ऑफ सम ऑफ द इनसाइड पेजेस सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द आर्टवर्क इन जनरल। ओके, सो द आर्टवर्क लुक्स क्वाइट डिफरेंट, अ बिट एमेचरिश इफ आई पुट इट माइल्डली, एंड थोड़ा क्लासिक भी लग रहा है। सो आई होप इट गोज वेल विद द स्टोरी, लेकिन वो तो इसे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सो बिना देरी किए मैं अभी इसे पढ़ना शुरू करूंगा एंड आफ्टर दैट इट इज रिव्यू टाइम। की ज्वाला। सो गाइज, अभी मैं इसे पढ़कर खत्म किया हूँ, सो लेट मी शेयर विथ यू गाइज माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस कॉमिक बुक। सो गाइज, आज़ादी की ज्वाला इज बेसिकली एन एल्सवर्ल्ड सुपर कमांडो ध्रुव स्टोरी। सो ये एक काइंड ऑफ व्हाट इफ स्टोरी लाइन है कि क्या होता अगर हमारा सुपर कमांडो ध्रुव एक फ्रीडम फाइटर यानी कि एक स्वतंत्रता सेनानी होता, सो कैसे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ता, क्यों लड़ता और उसका अंजाम क्या होता। यही सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया गया है इस सीरीज के द्वारा एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस सीरीज एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ डिसेंट स्टार्ट इफ आई मस्ट से। सो बेसिकली द प्लॉट ऑफ दिस कॉमिक बुक फोकसेज मोर ऑन सुपर कमांडो ध्रुव, स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स सो दैट उसका देश यानी कि भारतवर्ष को और भारतवासियों को स्वाधीनता प्राप्त हो। सो ध्रुव के इस मिशन में कौन उसका साथ देगा, कौन उसका अगेंस्ट में खड़ा होगा एज द विलेन, उसका अंदाजा आपको हो जाएगा आज़ादी की ज्वाला पढ़ने के बाद। देर इज अनदर मिस्टीरियस कैरेक्टर इन द स्टोरी लाइन जिसके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो फिलहाल लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस बुक। इसमें लगभग 40 पेजेस का रीडिंग मटेरियल है एंड द प्राइस इज 149 रुपीज यानी कि लगभग 150 रुपए। सो राज कॉमिक्स के हिसाब से ये काफी ओवर प्राइस्ड है, बट कंसिडरिंग द रिसेंट प्राइसिंग ऑफ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, इसका प्राइसिंग अब काफी डिसेंट लगने लगा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ए इज बैड इन स्टडीज एंड स्टूडेंट बी इज वर्स इन स्टडीज, सो कंपेयरिंग देम स्टूडेंट ए इज बेटर इन स्टडीज, सो उस हिसाब से इसका प्राइसिंग रीजनेबल लग सकता है। Another thing guys, ऐसा experimentation already Batman के साथ हो चुका है and let me show you some of the pages from a comic book जहाँ पर ऐसा ही Batman को एक past scenario में reimagine किया गया था and it was a different kind of story, ये भी एक Elseworld type story है as you are seeing। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटमैन के कॉस्ट्यूम को काफ़ी रीडिज़ाइन किया गया एंड इट इज़ अ डिफरेंट एरा, अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर, और उसी के हिसाब से इस पूरे प्लॉट को बनाया गया है। और यहाँ पर भी कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंटेशन भी किया गया है आज़ादी की ज्वाला के साथ, बट मेक नो मिस्टेक गाइज, इट इज़ नॉट अ कॉपी पर्स से। ऐसे ब्लेटेंटली इसको कॉपी कह देना वुड बी अ बिट टू फार फेच्ड इन माई ओपिनियन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई फेल्ट अबाउट द स्टोरी। सो एज आई हैव सेड कि ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का पहला ओरिजिनल कॉमिक्स है, सो उस हिसाब से एक डिसेंट स्टार्ट दिया गया है इसको एंड एज इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द सीरीज, तो एक अच्छा बिल्डअप भी किया गया है। इसका अगला पार्ट का नाम होने वाला है आज़ादी सेना एंड देयर इज समथिंग रिटन हियर। स्वतंत्रता संग्राम राजनगर में अपने कदम जमा चुका है, लेकिन लिटमस के पास है ऐसा एक राज, एक हथियार जो मिटा देगा स्वतंत्रता संग्राम के इस स्तंभ को। क्या इस आंधी को झेल सकेगी आज़ादी सेना? सो गाइज, इफ यू आर वंडरिंग, लिटमस इज द विलन ऑफ दिस स्टोरी। सो लेट मी शो यू गाइज हु द क्रिएटर्स ऑफ दिस कॉमिक बुक वर्स। सो यहाँ पर मेंशन किया गया है, कथा मनोज गुप्ता, आयुष गुप्ता एंड चित्रांकन देवज्योति बी। सो देवज्योति का ये एक शुरुआती कॉमिक बुक है और उस हिसाब से आर्टवर्क डिसेंट है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में मैं कुछ देर बाद बताने वाला हूँ। रंग सज्जा अभिषेक सिंह,
डायलॉग तरुण कुमार वाही, कैलीग्राफी नीतीश शर्मा, संपादक मनोज गुप्ता, विशिष्ट सहयोग मीनू गुप्ता। सो दीज आर ऑल द क्रिएटर्स हु हैज मेड आजादी की ज्वाला अ रियलिटी। एंड ओवरऑल गाइस स्टोरी डिसेंट था, इट वाज अ गुड स्टार्ट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये फ्रीडम फाइटर ध्रुव से हमारा सुपर कमांडो ध्रुव वाला वाइब नहीं आ रहा था। आई नो दिस ध्रुव इज मेंट टू बी डिफरेंट क्योंकि इसका सेटिंग अलग है, इसका बैकग्राउंड अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है और इसका जो लड़ाई है, इसका जो संग्राम है, वो भी हमारा सुपर कमांडो ध्रुव से काफी अलग है। लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव और स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव, इन दोनों का वाइब्स किसी कारणवश उतना परफेक्टली क्लिक नहीं हो रहा था। आई डोंट नॉट नो इट इज अ प्रॉब्लम विथ मी या बाकी रीडर्स को भी ऐसा ही कुछ लगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आप में से जो लोग आजादी की ज्वाला पढ़ चुके हैं, क्या ये स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव आपको सुपर कमांडो ध्रुव का याद दिला रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ध्रुव बिल्कुल अलग है हमारे सुपर कमांडो ध्रुव से। बट मैं ये भी कहूंगा कि लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूशंस क्योंकि इसके अगले पार्ट्स आने वाले हैं, तो शायद उसमें और भी बेहतरीन तरीके से स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव का कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा जिससे कि वो और भी अच्छे तरीके से हमारे ध्रुव का ही याद दिलाए हमको। क्या वो पॉसिबल होगा या फिर शायद राइटर्स इस ध्रुव को टोटली डिफरेंट एंटिटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। सो अगर केस कुछ वैसा है देन देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। सो लेट मी फ्लिप सम मोर पेजेस फॉर यू गाइस। सो गाइस यहां पर एक और सीन है जो मुझे काफी नहीं लगा। सो हेयर इज अ ट्रॉली फिल्ड विद गोल्ड एंड इट इज रशिंग टुवर्ड्स देम। सो ये ट्रॉली ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एंड दिस टू गाइज आर इन द वे। सो अगर ये भारी भरकम ट्रॉली नीचे गिरते हुए इनसे टकरा जाए ये इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंटेंस माहौल में भी ये खुद को ना बचा के कन्वर्सेशन में बिजी है। यू कैन सी द एक्सचेंज ऑफ चीजें डायलॉग्स दैट इज टेकिंग प्लेस व्हाइल दिस इज हैपनिंग। सो गाइज ये चीज काफी ऑकवर्ड लगा क्योंकि अगर ये चाहते तो खुद को बचा सकते थे, खुद को ट्रॉली के रास्ते से हटा सकते थे, बट दे चोज टू स्टैंड देयर एंड जस्ट चिट चैट ताकि हमारा स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव इस प्लॉट के अंदर एंट्री मार सके और इन दोनों को अपना स्टार रस्से से बचा सके। सो ये चीज काफी फनी लगा मुझे एंड आई डोंट नो व्हाट द राइटर वाज थिंकिंग एक्चुअली, बट दिस इज स्ट्रेट अप एब्सर्ड। बट बस एक अजीब सीक्वेंस के लिए मैं इस पूरे स्टोरी को हार्शली जज नहीं करूंगा बिकॉज एज आई हैव सेड द स्टोरी इज नॉट बैड बाय एनी मींस, इट इज क्वाइट डिसेंट एज दिस इज अ स्टार्ट। Now let's talk about the artwork. So artwork has been done by Deep Jyoti B. So इनका art style काफी different है, it is quite unique, लेकिन कुछ कुछ pages में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लापरवाही बरताया गया है, जैसे कि ये पेज। इस पेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि the artist has done a half-hearted job, क्योंकि ये वही artist और वही colorist है जिन्होंने ये cover art बनाया। Yeah, I know cover art is meant to be exceptionally good, लेकिन अगर cover art और inside artwork same artist ने बनाया है तो उन दोनों में इतना अंतर रहना भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है कि आर्टिस्ट ने लापरवाही बरताए हैं। सो यहाँ पर डिटेलिंग सी कमी है, कुछ कुछ जगह में एनाटॉमिकल एरर्स भी हैं और कुछ कुछ जगह में इंकिंग भी काफी हेस्टिली किया गया है एंड उतना फाइन काम नहीं लग रहा था। बट एज आई हैव सेड कि देव ज्योति बी का ये शुरुआती कॉमिक बुक आर्टवर्क है तो उस हिसाब से काफी काबिले तारीफ काम किया है एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता कि उन्होंने एक न्यू कमर को चांस दिया है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में। सो कुछ कुछ पेजेस में आर्टवर्क डिसेंट है एंड इन सम पेजेस इट इज नॉट अप टू द मार्क, सो देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग गाइज। एंड ओवरऑल जो कलरिंग भी है द स्कीम इज अ बिट डल, मुझे पता नहीं ये क्यों किया गया है। मे बी कलर स्कीम ऐसा किया गया है क्योंकि ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, एक पास्ट इवेंट है, यानी कि ब्रिटिशर्स एंड कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। एंड फ्रैंकली द कलरिंग गोज वेल विद द स्टोरी, ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकता इसमें। द कलरिस्ट हैज ट्राइड, लेकिन कुछ कुछ जगह में इंकिंग और पेंसिलिंग इतना एवरेज है कि वहां पर ज्यादा रिडेम्पशन नहीं दिया जा सकता। सो ओवरऑल एक अच्छा अटेम्प्ट था बट इसको काफी इम्प्रूव किया जा सकता है, देर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये वही आर्टिस्ट है जिन्होंने ये कवर आर्ट बनाया है और जो कि काफी शानदार है। सो अंदर ऐसा क्यों? सो आई होप कि इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा एंड विल गेट टू सी सम बेटर वर्क्स फ्रॉम दिस आर्टिस्ट। और ये रहा वो मिस्टीरियस बंदा जिसके बारे में बात कर रहा था, ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लॉट बट अभी तक रिवील नहीं किया गया है ये कौन है। सो मैं भी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा एंड वी गेट टू सी दिस मिस्टीरियस कैरेक्टर इन आजादी सेनास कवर पेज ऑल्सो। सो गाइज ये कौन है? कुछ कुछ स्पेकुलेशन कह रहा है कि ये डोगा का एक वर्जन है बट आई गेस विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इश्यूज। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रेटिंग। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3 out of 5 और आर्टवर्क के लिए भी मैं इसको 3 out of 5 ही दूंगा। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6 out of 10 व्हिच मेक्स इट अ डिसेंट रीड। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा था, उससे थोड़ा अंडरवेलमिंग निकला ये, बट देन अगेन दिस इज द फर्स्ट न्यू कॉमिक्स फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, सो लेट्स अप्रिशिएट इट एंड लेट्स शो इट सम सपोर्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर अभी तक आपने आजादी की ज्वाला नहीं खरीदे हैं। सो आई सजेस्ट यू टू गो एंड बाय इट।
रीड इट फॉर योरसेल्फ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या राय है इसके बारे में। सो गाइस, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।